are not cycle in thermodynamics. बेटे कार्नोट साइकिल थर्मोडायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास इलेवेंथ के लिए, आईआईटी के लिए और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब कार्नोट साइकिल में आपसे क्या कहते हैं, सपोज करो मैं एक बड़ा प्यारा केस आपके पास लेके चल रहा हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सपोज करो मैंने आपके पास कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने किसी पिस्टन को फिट किया और ये आपके पास में फ्रिक्शन लेस है तो इजी टू मूव है, मतलब कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है। इसकी वॉल्स को मैंने नॉन कंडक्टिंग बनाया, मतलब थ्रू दिस वॉल्स ना तो हीट बाहर जा सकती है और ना अंदर आ सकती है। पिस्टन को भी मैंने आपके पास में नॉन कंडक्टिंग बनाया और इसका जो बेस है वो मेरा कंडक्टिंग है। अब देखो बेटे केस क्या बनता है आपके पास, अगर मैं इसको एक इंसुलेटिंग पैड पर रख देता हूं तो ये है मेरा इंसुलेटिंग पैड, यहां पर मेरे पास में कोई हॉट सोर्स है और यहां मेरे पास में कोई कोल्ड रिजर्वायर है या फिर मैं इसको कहूंगा आपके पास में सिंक है। सिंक का टेम्परेचर कम होता है, सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2, तो T1 अगर आपके पास T2 से बड़ा है तो देखो बेटे केस क्या होगा, मैंने इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया तो इस नॉन ये जो कंडक्टिंग बॉल्स हैं इनके थ्रू हीट इसके अंदर जाएगी और गैस आपके पास एक्सपेंड होगी, पिस्टन आपका ऊपर की तरफ जाएगा। देखो बच्चों फिजिक्स है, थोड़ा समझने वाली सब्जेक्ट है, समझ के करोगे जल्दी अच्छा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो आपके पास गैस एक्सपेंड होगी, अगर मैं इसको उठाकर आपके पास किसी हॉट सोर्स पर रख देता हूं और गैस टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी तो गैस आपका एक्सपेंड होगी। अब मैंने इसको उठाया और यहां से उठाकर इसको मैंने फिर कोल्ड के ऊपर रख दिया तो हीट अब आपके पास में इसमें से बाहर निकलेगी, इसके थ्रू सिंक इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और गैस का टेम्परेचर फॉलो होगा तो गैस आपके पास नीचे आएगी। बच्चों देखो काम की चीज समझाता हूँ तुम्हारे को, बहुत बढ़िया चीज है। सपोज करो आपकी मम्मी दूध को बॉईल करती हैं और आपकी मम्मी ने जब दूध बॉईल कर रही थी एकदम से जैसे दूध के अंदर उबाल आने वाला था एकदम से गैस को बंद कर दिया तो क्या वो दूध नीचे आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो पहले एक सरफेस पर पूरी हाइट तक जाएगा और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और जब वो नीचे आ रहा है आपने गैस एकदम से ऑन कर दिया तो वो बीच में से वापस नहीं जाएगा, वो पूरा नीचे आएगा और फिर वो वापस ऊपर जाएगा। दोबारा समझो, आपने जब इसको उठाकर इस हॉट सोर्स के ऊपर रखा तो हीट इसके अंदर फ्लो कर रही थी बिकॉज ऑफ विच गैस आपका एक्सपेंड हो रही थी, आप इसे यहां से उठा के एकदम इंसुलेटिंग पैड पर रख देते हो। अब गैस ने मोमेंटम एक्वायर कर लिया है, पिस्टन ने मोमेंटम एक्वायर कर लिया है, ये भी और एक्सपेंड होगा और थोड़ा सा और ऊपर तक आपके पास जाएगा। उसके बाद जब आप इसे सिंक पर रखोगे तो ये आपके पास में क्योंकि हीट इसके अंदर से बाहर निकल रही है इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है और गैस आपके पास में क्या होगी, कंप्रेस होगी, या आप इसे कंप्रेस करोगे और फिर उसके बाद जैसे आप इसे इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखोगे अभी और नीचे कंप्रेस होगी और इस केस में क्या होगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सॉरी टेम्परेचर चेंज होगा, गैस का हीट के अंदर एक्सचेंज चेंज नहीं होगा, ना हीट बाहर जाएगी ना अंदर आएगी जब आप इसे इंसुलेटिंग पैड पर रखोगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको एक हॉट सोर्स के ऊपर रखा और गैस को थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड होने दिया। जब ये एक्सपेंड हो रहा था तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था आपके पास फ्रॉम द सोर्स, तो ये एक्सपेंशन था आपके पास आइसोथर्मल। जब मैंने इंसुलेटिंग पैड पर रखा और अब एक्सपेंड होने दिया या किया तो अब जो चेंज है आपके पास एडियाबेटिक, क्योंकि आपके पास में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। जब आपने इसको सिंक के ऊपर रखा तो क्या होगा आपके पास में इसका इसकी हीट टूवर्ड सिंक जाना शुरू करेगी, आपने हल्का सा कंप्रेस किया तो कंप्रेशन से जो भी टेम्परेचर में चेंज होगा वो सारा चेंज कहां जाके लॉस्ट हो जाएगा सिंक में, और उठाकर वापस आप इसे अगर इंसुलेटिंग पैड पर रखकर आप कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर इसका राइज होगा। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले क्या होगा आपके पास, चार चीज ध्यान में रखो, सबसे पहले है आपके पास आइसोथर्मल
एक्सपेंशन, फिर है आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर है आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो, एक हमने ग्राफ प्लॉट किया, ध्यान समझिएगा, प्रेशर वॉल्यूम का हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो यहां इस एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम लेकर चलेंगे और यहां इस एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास सपोज करो गैस किसी एक पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, यहाँ पर इसका प्रेशर पी वन है और वॉल्यूम कितना आपके पास में वी वन है। अब आपने इसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया क्योंकि गैस को आपने एक्सपेंड किया था, तो प्रेशर भी आपके पास में चेंज होगा। आपको एक नई पोजिशन मिल गई जहाँ पर आपके पास में ये वॉल्यूम होगा, यहाँ प्रेशर होगा, जहाँ पर आपके पास में गैस का जो वॉल्यूम है इंक्रीज होकर वी टू हो गया है और प्रेशर कितना हो गया चेंज होकर आपके पास पी टू हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा। अब आप इसके बाद इसको फर्दर आप एक्सपेंड करते हो तो प्रेशर आपका और डिक्रीज होता है, वॉल्यूम V3 से P3 हो जाता है, V3 हो जाता है और प्रेशर आपका P2 से P3 बन जाता है। तो ये था पहले आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर आपके इसमें सडन एक्सपेंशन है, तो दिस इज नोन एज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब इसके बाद आप कंप्रेस करोगे, तो जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। ये आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन है और आपने क्या करा, सडन आपने चेंज किया और वापस आप कहां पर आ गए, वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 पर आप पहुंच गए। तो बेटे अगर आप इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हो तो एरिया ऑफ द ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन। तो वर्क डन होता है आपके पास एरिया ऑफ द ग्राफ, या अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटे, मैं ए से कहां तक जाता हूं आपके पास बी तक, तो ए से जब मैं जाऊंगा आपके पास बी तक, तो फ्रॉम ए टू बी मेरे पास जो चेंज है वो चेंज है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। तो मेरा जो चेंज है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो बेटे अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता हूं, मतलब गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करता हूं, तो मेरे पास में जो वर्क डन है, अभी पीछे हम लोगों ने बेटे वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव किया था dW = pdV से, तो ड्राइव होकर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, वो था हमारे पास W1 = RT1 लॉग आपके पास V2 अपॉन में कितना आपके पास में V1। इस केस में आपने गैस को हीट प्रोवाइड की है तो आप इसे Q1 भी लिख सकते हो, Q1 = कितना होगा आपके पास में RT1 लॉग आपके पास वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 1। ठीक है बेटे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद आपने सीखा था एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो बेटे एडियाबेटिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपने पीछे ड्राइव किया था और वो फॉर्मूला निकला था आपके पास में जो वर्क डन के लिए है, वो है आपका RT2 - T1 / 1 - γ। ये आपने एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए ड्राइव किया था। अब बेटे ये था आपके पास B2C, एडियाबेटिक एक्सपेंशन था आपका B2C। अब आप C से वापस कहां पर आए थे, आपके पास D पर। तो बेटे C से लेकर आपके पास में D तक
आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो बेटे आइसोथर्मल कंप्रेशन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया था, और वो फॉर्मूला था आपके पास में W4 इज इक्वल टू वर्कडन इज इक्वल टू आर टी टू लॉग आपके पास V3 अपॉन में कितना आपके पास में V4, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन था। अब बेटे D से वापस जब आप A पर आओगे तो आपके पास है एडियाबैटिक कंप्रेशन, और इसका फॉर्मूला जो निकल कर आया था बच्चों वो था हमारे पास माइनस का आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस गामा। ठीक है बेटे, ये डी टू ए था हमारे पास। अब देखो बेटे वर्क डन कब कब हुआ होगा, तो बच्चों आपने एक बार देखा कि जब भी हमने एडियाबेटिक की बात की है तो आपके पास हमने एक साइन यूज किया है आपके पास नेगेटिव, और जब आइसोथर्मल की बात की है तो साइन हमने यूज किया आपके पास पॉजिटिव। देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ साइन हमारे पॉजिटिव आएंगे, कहाँ कहाँ साइन हमारे नेगेटिव आएंगे। फिर से देखो, सबसे पहले आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, आप फिर उसके बाद में अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो वो कैसा होगा, आपके ऐसा पॉजिटिव होगा, और फिर जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपके पास वो नेगेटिव होगा, लेकिन आपके पास में क्योंकि वो V3 अपॉन में V4 अपॉन V3 था तो मैंने उसको V3 अपॉन V4 लिख दिया डायरेक्ट, जिससे कि मेरा वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। एडियाबेटिक कंप्रेशन कैसा होगा, मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है बेटे, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्कडन नेगेटिव होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्कडन आपका पॉजिटिव होगा। अब बेटे मेरे को ना टोटल वर्कडन निकालना है कि मेरा टोटल वर्कडन होगा कितना, तो देखो बेटे टोटल वर्कडन जो निकलेगा मेरा वो होगा आपके पास एरिया ऑफ द ग्राफ, या मैं W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस W4 को मैं आपके पास में प्लस कर दूंगा, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म लगा दो। तो दिस इज फॉर द वर्कडन इन कार्नोट थ्योरम।